गाइज एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं देखने के लिए कि कैसे एक कच्ची मीट ईट से बनती है एक पकी हुई ईट। तो जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा कि ईट कैसे बनती है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि भट्टे के अंदर का क्या नज़ारा होता है। वही आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भट्टे के अंदर का क्या ही नज़ारा होता है, उसके बिल्कुल बेसिक से आपको दिखाऊंगा और नीचे से ऊपर तक की सारी बात आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं। ये मिट्टी भी अलग तरह की मिट्टी होती है। इस मिट्टी को अगर पानी में डालेंगे हम, पानी में डालने के बाद अगर ये चिकनाहट इसमें निकलती है तो ये मिट्टी सही है, ईंट बनाने लायक है। लेकिन अगर इसमें चिकनाहट नहीं होती है तो क्या होता है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी जो होती है इसकी ईंट सही नहीं बनती, सही पकती नहीं है, वो पानी डलते ही बह जाती है। तो यहाँ पे पथाई होगी इसकी, और पथाई होने के बाद ये कुछ तो इस तरह से ईंटों को पास दिया जाता है। इस तरह का एक जो है खांचा होता है ईंट बनाने के लिए, इसके अंदर मिट्टी डालते हैं और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है RB2 या S कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह के खांचे में ये अपना ब्रांड का जो लिख देते हैं RBS लिखा हुआ है इस पर, और ये इनका ब्रांड का सिंबल है कुछ इस तरह से RBS इसमें लिखा हुआ है। के बाद ईंटें आ जाती हैं पथने के बाद सूखने के लिए, और एक दो दिन ज़मीन पर रहती है, 3 दिन बाद इसको इस तरह से लगा दिए जाते हैं, और यहाँ पे ये 4-5 दिन ऐसे करके सूखने में लगाती हैं। तो कुछ इस डिज़ाइन में लगाते हैं ताकि हवा इसमें से पास हो और जल्दी जल्दी ये सूखें। इस तरह से देखो आप, ये कटने के बाद मिट्टी को इस गाड़ी के मदद से ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको कुछ इस तरह से उठाते हैं और कुछ इस तरह से मिट्टी भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इसमें एक टायर है, और एक टायर की मदद से ऐसे जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, एक ही टायर है इसके अंदर। और ये जो इसके अंदर स्टैंड लगे हैं, इस तरह से इसको रख दिया जाता है। ईंट इसके ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ईंटें जो हैं नहीं आते, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 ईंटें ही लोड हो पाती हैं। तो चलो, यहाँ से आपको साफ भट्टा नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सीधा भट्टा चले चल इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है ये। का स्ट्रक्चर जो है भट्टे का होता है गोले आकार का, और एक और स्ट्रक्चर जो है होता है भट्टे का जिसको कहते हैं सीधा, जो कि सीधा सीधा होता है। वो आपको दिखाते हैं गोलाकार कैसे है। तो इस तरह से ये गोला गोला होता है, और जहाँ पर भी मैं यहाँ पे अभी स्टैंड पे खड़ा हूँ, इसी पूरे जगह में बहुत सारी ईंटें लगाई जाती है। सोचो कितनी सारी ईंटें इस पूरे मतलब गोल जितना भी गोला है ये इसमें लगती है। तो इधर इधर से यहाँ तक, यहाँ से इधर से आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतना, ये जो पूरा लास्ट तक आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से पूरा लास्ट तक ईंटें इसमें भरी हुई होती हैं, और भरी हुई थी इस टाइम पे खाली है, लेकिन इसमें पूरे में ईंट भरी होती है। तो सोचो लाखों की संख्या में यहाँ पे ईंटें इसमें भरी हुई होती हैं। तो होता क्या है गाइस, आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे। यहाँ पर ईंटें भरी हुई होती हैं, और ईंटों को ऊपर से ढक दिया जाता है यहाँ पर लगाने के बाद। लाखों करोड़ों ईंटें एक बार में जो है यहाँ पे भट्टी में लगाई जाती हैं। आपको दिखाता हूँ गाइस, ये जो भट्टे के अंदर ये छोटे छोटे ये जो इसके अंदर ये जो जगहें बन रखी हैं, ये क्यों बनी हुई हैं इसके अंदर, बेसिकली इनका काम क्या है, तो इसके अंदर ही आपको जाके अभी मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसमें ये चालू नहीं है। अगर ये चालू होता है तो इनका काम क्या होता है, यहाँ पर ईंटें लगी हुई होती हैं, और यहाँ से जो इसको पूरा ढक दिया जाता है मिट्टी के थ्रू, और इसके अंदर से जो आग लगती है वो यहीं लगती है गाइस, और इसके अंदर से जो धुआं होता है वो इसके अंदर जाता है, वो काफ़ी प्रेशर में धुआं जाएगा, वहाँ जो है प्रेशर बनाता है और भट्टी तक ऊपर तक जाएगा। तो चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं कि कैसे इसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है। किसी ने भी आपको गाइस ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाया बंद है, जब ये चालू होता है बंद जी। अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर का क्या। अब इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर का कैसे स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर मैं आ गया हूँ, और काफ़ी अंधेरा है, और यहाँ से ये काफ़ी लंबा है, और यहाँ से ऊपर से यहाँ पे लकड़ी डाली जाती है इसके अंदर, कोले वगैरह, ताकि आग इसमें बराबर बनी रहे। तो यहाँ से परिसर जो है चालू होता है, और ये दीवारें काफ़ी काली हो रखी हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, हर जगह जगह पे ऊपर से लकड़ी कोले वगैरह डाले जाते हैं, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे
जो धुआं होता है उसको काफ़ी प्रेशर में यहाँ से जाता है भट्टी के पास। तो आगे आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको दिखाते जाते हैं। और यहाँ से धुआं, यहाँ पे ईंटें लगी होती हैं बाहर की साइड, और यहाँ से ईंटों से धुआं आता है और यहाँ से जाता है भट्टी तक। तो सीधे सीधे अब आपको बता दूं कि जो शुरू से लेकर लास्ट तक की जो ईंटें बनती है इसमें कितना समय जो है लगता है। तो शुरू से लेकर एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जो ईंट, एक बार अब्बल ईंट जो तैयार होती है इसको बनने में 10 से 15 दिन का समय लगता है गाइस। और कंटिन्यूसली ये तीन से चार महीने तक काम चलता है। तो अब ये जो ईंट बनाने का काम है ये चालू होता है नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी। तो नवंबर दिसंबर से चालू हो जाता है, जनवरी फरवरी तक ये काम जो है इनको ख़त्म करना होता है। और एक बार में ढेरों ईंटें ये बना बना के यहाँ से निकालते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि जो भट्टा है ये इतना ऊंचा, इतना लंबा क्यों होता है, ये छोटा क्यों नहीं होता? तो पहला सवाल तो यही है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों कि इसमें, इस भट्टे में ये इतना ऊंचा इसलिए होता है, अगर ये नीचे होगा तो इसके अंदर से जो धुआं निकलता है, ये जो प्रदूषण होता है, ये आसपास के गाँव में जाएगा और ज़्यादा प्रदूषण होगा। और ऊपर जाता है तो गाइस क्या होता है कि इसका सारा कार्बन जो है इस पर चिपक जाता है, ऊपर जा करके धुएं का सारा कार्बन निकल जाता है, तो खाली ऑटोमेटिक धुआं धुआं ऊपर चला जाता है, तो इतना प्रदूषण जो है नीचे देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या उठता है यहाँ पे कि जो कार्बन है, जो धुएं में से जो कार्बन निकलता है वो इस भट्टी में चिपक जाता है, और उसके बाद वो भट्टी बंद होने के बाद उसके बाद ये उसमें से छूट छूट के नीचे गिरता है, जो कि आगे किसी काम में आता है। ऐसी सबसे बड़ी जो है परेशानी होती है ईंटों को बनाने में। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, ये जो बनती हैं ईंटें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में मिलती हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इस ठंड में अगर बारिश हो जाती है सबसे बड़ी परेशानी है ये, क्योंकि ये जो सारा काम है खुले का काम है, खुली जगहों पे ईंट कच्ची जो है रखी जाती है, अगर बारिश पड़ती है मिट्टी की ईंट होती है उसमें जो है गड्ढे हो जाते हैं और अलग अलग तरह के खराब होते हैं। इसे निकलने के बाद ईंटें जो कुछ 15 से 14 दिन में निकलती हैं, निकलने के बाद कुछ ऐसी ईंटें हमको जो है दिखती हैं, तो इनका रंग भी अलग हो जाता है और ये पक्की ईंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कुछ ऐसी ईंट ये हो जाती हैं, एक बार इस ईंट को देखो, तो कुछ ऐसी ईंट हो जाती है, इधर इनका डिजाइन आ जाता है, उनकी कंपनी का जो भी नाम लिखते हैं तो इससे पता चलता है ये उनकी ईंट है। गाइस ऐसी ईंटें, छोटी छोटी ईंटें से ही हमारा घर तैयार होता है। इतनी कहानी है घर की, घर से ईंटों तक की कहानी बस इतनी सी है। और बस इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हम घर में बनाते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और कहाँ हम बढ़िया बढ़िया ईंट ले जा करके अपना घर बनाते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए जो हम बढ़िया बढ़िया घर में रहते हैं, इसी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आ रही है उसको प्रेस कर लीजिए आने वाली मोर वीडियोज़ के लिए। और वीडियो आपको कैसी लगी इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना।